क्रिस्टल्स क्या है, किस तरह से हीलिंग में क्रिस्टल्स से हम मदद ले सकते हैं, आज हम जानेंगे। क्रिस्टल यानी कि लिक्विड एटम्स और अलग अलग अणु परमाणुओं से बना हुआ एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो एक अलग ही फॉर्म में तैयार होता है। और क्रिस्टल्स की अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी हमको हीलिंग में हेल्प करती है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस से खड़ा होता है और वो एक ही दिशा में एक ही तरह से बनता है। हर एक क्रिस्टल्स जो हीलिंग के लिए काम करते हैं उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। आइए देखते हैं कुछ नेचुरल क्रिस्टल्स को, जैसे कि ये है एमेथिस्ट, पर्पल कलर का है, कंप्लीटली नेचुरल फॉर्म है और इस तरह से वो बना है। इसमें किसी लोगों को लगता है कि जैसे पॉलिश किया है क्या, इस तरह से उसको फॉर्म दिया है, नो, ये कंप्लीटली नेचुरल है उसके बेस के साथ और इस तरह से उसका फॉर्मेशन बनता है। इसकी बड़ी बड़ी केव्स भी होती है, ये तो बहुत छोटा सा पीस है और इसमें से बीड्स, ज्वेलरी वगैरह फिर आगे बनते हैं। तो दिस इज एमेथिस्ट, इस तरह से ये क्लियर क्वार्ट्ज है, क्लियर क्वार्ट्ज का भी इस तरह से स्ट्रक्चर है जैसे एमेथिस्ट का है। ये सिट्रीन है, उसका भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिसका क्यूबिकल यानी कि थोड़ा सा अलग स्क्वायर शेप में होता है, जिस तरह से ये है पाइराइट जिसका क्यूबिकल फॉर्मेशन होता है, स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में एक अलग तरीके से बनते हैं, इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड। इस तरह से कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो पेंसिल फॉर्म में उगते हैं, तो ये है स्मोकी क्वार्ट्ज। वैसे सारे क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज फैमिली, वो पेंसिल शेप में अपवर्ड्स ग्रो करते हैं जमीन में। उस तरह से कुछ होते हैं जो इसी तरह से स्क्वायर या फिर बड़े बड़े चंक्स में बनते हैं, तो रोज क्वार्ट्ज है, ब्लैक टूरमोलिन है, टाइगर आई है, वो सारे इस तरह से अलग अलग चंक्स में फॉर्मेट होते हैं। कुछ होते हैं कि जो स्ट्रेट फॉर्म में खड़े होते हैं और उसी तरह से उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसमें एक है सेलेनाइट। तो इस तरह से अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं और वो क्रिस्टल्स अपनी ऊर्जा के मुताबिक, उनके फॉर्मेशन के मुताबिक, उसकी एनर्जी को जानते हुए हम इसको हीलिंग में यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हार्दी लुहार है और मैं मीरांशु अगेट अहमदाबाद से रन करती हूँ। क्रिस्टल्स जो है उसका यूज हीलिंग में शुरू हुआ था एंशियंट टाइम में, इजिप्शियन संस्कृति में। वो लोग ने शुरुआत में ये पाया कि कुछ अलग अलग कलर के जो क्रिस्टल्स है उसको हीलिंग के लिए यूज किया जा सकता है और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। धीरे धीरे उन्होंने ज्वेलरी में क्रिस्टल्स को पहनना शुरू किया और फिर वो सिलसिला चलता ही गया और जो कि अब तक चला आ रहा है। वो क्रिस्टल्स को हम यूज कर सकते हैं ज्वेलरी के फॉर्म में, इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स को अपने घर में रखकर, या फिर फेंगशुई में भी क्रिस्टल का काफी यूज होता है। आजकल वास्तु में भी क्रिस्टल वास्तु का यूटिलाइज होता है और उससे हीलिंग हो सकता है। हम अलग अलग वीडियो में जानेंगे कि क्रिस्टल कौन से हैं और कौन से क्रिस्टल किस तरह से हमें हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं। ये जानने के लिए आप हमारी चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारी चैनल हार्दी लुहार को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।